और बहुत महत्वपूर्ण हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, रिस्टोर इंडेक्सेशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैम, पूरे दुनिया में इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए प्रमोट करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है, इस देश में इंडेक्सेशन हटाकर हम इन्वेस्टर क्लास को डिस इंसेंटिवाइज कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इंडेक्सेशन हटाना टैक्स लगाना नहीं है, इन्वेस्टर्स को पीनलाइज करने जैसा है। मैडम, मैं बताना चाहता हूं, इन्फ्लेशन रैविजेस द वैल्यू ऑफ मनी, पैसे को खा जाता है इन्फ्लेशन, इसीलिए हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स कर कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। और जो लोग खुश हैं आज कि कैपिटल गेन टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया है, उनके लिए मैं एक उदाहरण लाया हूं। इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि कैसे इंडेक्सेशन हटाना इस देश के इन्वेस्टर को एक बहुत बड़ी उसकी जेब पे डाका डालने जैसा है। मैडम, फर्ज करिए कि 2001 में आपने 1 करोड़ रुपए का एक मकान खरीदा, वो मकान की दर 6% के हिसाब से बढ़ती गई उसकी वैल्यू, और आज वो मकान जो 1 करोड़ का आपने 2001 में खरीदा था वो आज 4,17,00,000 रुपए का हो गया। अब 2 सिनेरियो हैं, एक इंडेक्सेशन का सिनेरियो जिसमें आप बेचें उस पर टैक्स लगे, और एक नया सिनेरियो जिसमें आप उसे बेचेंगे तो नई रेट के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगेगा। मैं पहले पुराने सिस्टम के हिसाब से, इंडेक्सेशन वाले सिस्टम के हिसाब से उस पर कितना टैक्स लगेगा वो आपको बताना चाहता हूं। आज वो मकान जो आपने वर्ष 2001 में 1 करोड़ का खरीदा था वो आप 4,17,00,000 रुपए का बेचती हैं, तो आपकी सेल प्राइस 4,17,00,000, लेकिन आपकी परचेस प्राइस, इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंडेक्स परचेस प्राइस 1 करोड़ नहीं, लगभग 3,60,00,000 के आसपास आती है। यानी कि आपका सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस, जो प्रॉफिट ऑन सेल है, वो 54,00,000 रुपए होता है। उस 54,00,000 रुपए पर 20% के अकॉर्डिंग आप पे टैक्स लगता है, यानी कि इंडेक्सेशन वाले फॉर्मूले से आपको कुल टैक्स 10,80,000 रुपए देना पड़ता है। मैं राउंड ऑफ करके 11,00,000 रुपए कहता हूं। लेकिन जो नई व्यवस्था है जिसमें इंडेक्सेशन आपसे छीन लिया गया है, उसमें सेल प्राइस 4,17,00,000, कॉस्ट प्राइस 1 करोड़, मुनाफा 3,17,00,000, उस पर 12.5% टैक्स, यानी कि टैक्स कुल मिलाकर आपका बनता है 39,62,000। यानी कि नई व्यवस्था में वही 1 करोड़ का मकान अगर आप बेचेंगे आज 4,17,00,000 का, तो आपको लगभग 40,00,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, और पुरानी व्यवस्था में आपको मात्र 11,00,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 40 माइनस 11 लगभग 29,00,000 रुपए का एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा मात्र 1 करोड़ रुपए के प्लॉट की सेल पर। यह है इंडेक्सेशन का खेल। इसीलिए इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए अति आवश्यक है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसे ना हटाएं, और आज मैं इस सदन में भविष्यवाणी करता हूं, अगर आपने इंडेक्सेशन वापस लागू नहीं किया तो 3 चीजें होने जा रही हैं इस देश में। पहला, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट गिरने वाली है और लोग अपना ड्रीम होम कभी नहीं खरीद पाएंगे। दूसरा, अंडर वैल्यूएशन होगी प्रॉपर्टी डील्स की, सब लोग सर्कल रेट पे प्रॉपर्टी खरीदेंगे बेचेंगे, कोई असल कीमत नहीं बताएगा। और थर्ड थिंग जो इस देश में होने जा रही है, रियल एस्टेट सेक्टर में भारी तादाद में ब्लैक मनी आने जा रहा है अगर आपने ये इंडेक्सेशन का फैसला वापस नहीं लिया।